हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मेरे को बिना गिटार के देख के आप सरप्राइज मत होइए, क्योंकि आज हम कोई गाना नहीं सीखने वाले, बल्कि मुझे लगा कि बहुत दिन हो गए आप लगातार गाने सीखते हुए, तो आज कुछ डिफरेंट किया जाए। आज मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे पांच इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज जिनके YouTube चैनल आपको डेफिनेटली फॉलो करने चाहिए अगर आप अपने गिटार नॉलेज को और म्यूजिक नॉलेज को, म्यूजिक थ्योरी नॉलेज को और प्रॉपर करना चाहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि आज मैं अपने सोर्सेज आप तक पहुंचा रहा हूं कि जहां से मुझे नया कुछ सीखने को मिलता है, तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें आपको भी पता होनी चाहिए। और हाँ, मैं श्योर नहीं हूं, बट हो सकता है आप में से कुछ लोग ऑलरेडी इन चैनल्स को फॉलो करते होंगे, तो ऐसा नहीं है कि ये टॉप चैनल्स हैं। आप अपने हिसाब से, हो सकता है इनके अलावा भी बहुत सारे चैनल्स हैं जो बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं गिटार से रिलेटेड, बट मुझे लगता है कि मेरी लर्निंग में इन चैनल्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है, तो इसलिए मैं चाहता हूं आप भी इन चैनल्स को फॉलो करें। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और फिर हमें बताइए कि इनमें से सबसे बेटर कॉन्टेंट आपको किस चैनल का लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले चैनल के साथ। तो पहला चैनल जो आपको फॉलो करना चाहिए वो है रिक बिएटो। आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी ऐसे होंगे जो इस चैनल को फॉलो करते होंगे, और मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि मैं आज आपके लिए बहुत ही यूनिक आपको चीज़ें बताने वाला हूँ, आपने सुना ही नहीं होगा इनके बारे में, ये ऑलरेडी लोग बहुत फेमस हैं, तो हो सकता है आप ऑलरेडी इनको फॉलो कर रहे हो। बट जैसा भी है, अगर आपने आज तक नाम नहीं सुना है रिक बिएटो को, तो लेट मी टेल यू, रिक बिएटो एक अमेरिकन मल्टी इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, म्यूजिक प्रोड्यूसर और साथ साथ एक एजुकेटर भी हैं। उन्हें मेरे ख्याल से, मतलब जितनी मेरी एज नहीं है उससे ज़्यादा उनका गिटार या म्यूज़िक के साथ एक्सपीरियंस होगा, और इनका यूट्यूब चैनल जाना जाता है अपने गिटार बेसिक्स और म्यूज़िक थ्योरी से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल वीडियोस होते हैं ना उनके लिए। ये लिटरली जैसे एक ब्लैक बोर्ड लेके बैठते हैं और आपको हाथ से लिखकर समझाते हैं। बहुत बार इनकी लाइव स्ट्रीम होती है जिसमें ये जो बेसिक टॉपिक हैं, सर्कल ऑफ फिफ्थ्स हो गया या इस तरीके की, वो एक्सप्लेन करते हैं। इसके साथ साथ इनकी काफ़ी सीरीज़ भी चलती हैं। सीरीज़, एक सीरीज़ है जैसे व्हाट मेक्स दिस सॉन्ग ग्रेट, उसमें ये किसी भी एक बहुत फेमस गाने को लेते हैं और उसको डीकंस्ट्रक्ट करके बताते हैं म्यूज़िक थ्योरी के हिसाब से कि कैसे कॉर्ड चेंजेस हो रहे हैं, कौन सा मोड चल रहा है। तो वो बहुत ही अच्छा एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है किसी गाने को असेस करने के लिए। इसके साथ साथ ये टाइम टू टाइम है ना स्पॉटिफाई और जो एप्पल म्यूज़िक के चार्ट्स होते हैं ना टॉप 10 वाले, उनके गाने सुन के उनको भी रोस्ट करते हैं। मतलब ये बहुत तपे हुए रहते हैं कि आजकल कैसा गंदा सा म्यूज़िक हो गया है, लिरिक्स पे ध्यान नहीं देते लोग एंड ऑल दैट, बट आपको देखना चाहिए, इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके अलावा इनके चैनल पे एक इंटरव्यू सीरीज भी होती है जिसमें बहुत ही फेमस गिटारिस्ट म्यूजिशियंस आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग सभी जानते होंगे, अगर आपने नाम सुना है, टॉमी इमैनुअल एक वर्ल्ड फेमस गिटारिस्ट हैं, मेटालिका बैंड के जो गिटारिस्ट हैं कर्क हैमेट हो गए, टिम हैंसन जो अभी पोलिफिया की वजह से बहुत फेमस है। तो ऐसे जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जिनके आप वीडियोस देखते हो ना, वो सारे लोग इनके पास इंटरव्यू के लिए आते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं ये, और बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो ज़रूर से फॉलो कीजिए रिक बिएटो। नंबर दो चैनल जो आपको फॉलो करना चाहिए वो है डेविड बेनेट पियानो। हाँ, ये गिटार का चैनल नहीं है, ये पियानो ओरिएंटेड चैनल है, लेकिन ये जो हैं यूके बेस्ड कंपोजर, प्लेयर और एजुकेटर हैं, और इन्होंने 11 साल की उम्र से ही सीखना शुरू कर दिया था। काश मैं भी 11 साल की उम्र से सीखता तो और अच्छा बजा पाता, अभी और अच्छे सीखा पाता, बट नेवर टू लेट, अभी और अच्छा बजाएंगे हम लोग। सो बेसिकली इनका चैनल जाना जाता है एडवांस म्यूजिक थ्योरी कॉन्सेप्ट जो होते हैं उनको बहुत ही अच्छे ग्राफिक्स के थ्रू नोटेशन का यूज़ करते हुए समझाने के लिए। अगर आप शीट म्यूज़िक थोड़ा बहुत भी समझते हैं तो इनका चैनल का जो वीडियो आप देखोगे उसमें बहुत अच्छे से ये लोग शीट म्यूज़िक यूज़ करते हैं और ग्राफिकली आपको चीज़ें समझाते हैं। और एक और चीज़ जो उनके हर वीडियो को यूनिक बनाती है कि ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हैं सॉन्ग्स के। जैसे अगर आपको मान लो कॉर्ड फैमिली कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, ये ऐसे 10 एग्जाम्पल्स देंगे आपको जिन गानों में एक्चुअली वो पर्टिकुलर कॉर्ड फैमिली अप्लाई हो रही है। तो आपको सही में, एक होता है ना कि हिंदी में एक शब्द होता है उदाहरण सहित व्याख्या, तो वो सुनने को मिलती है। और उसकी वजह से आई रियली थिंक कि अगर आपको एडवांस म्यूजिक थ्योरी सीखनी है, जैसे री हार्मोनाइजेशन हो गया, सर्कल ऑफ फिफ्थ प्रोग्रेशन हो गया, या इवन हम लोग का जो कॉन्सेप्ट होता है जो मॉडल इंटरचेंज का, वो हो गया, तो अगर आपको ये सब सीखना है तो आई रियली थिंक यू गाइज शुड फॉलो डेविड बेनेट पियानो। नंबर तीन चैनल जो आपको फॉलो करना चाहिए अपने म्यूजिक नॉलेज के लिए वो है ब्रैड हैरिसन म्यूजिक। लेट मी क्लैरिफाई, ये भी एक गिटार ओरिएंटेड चैनल नहीं है। ब्रैड एक कैनेडा बेस्ड कंपोजर,
ट्रम्पेट प्लेयर और एजुकेटर हैं, और नो डाउट मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन उनके बायो और वहाँ से यहाँ इधर उधर से देख के निकाली है, बट जितना मुझे समझ में आया है कि इन्होंने शुरू में जैसे जब यूट्यूब शुरू किया था तो पहले 12 साल के अगर आप वीडियो देखोगे तो इनकी परफॉर्मेंसेज हैं ऑर्केस्ट्रा में, क्योंकि ट्रम्पेट बजाते थे, लेकिन फिर 2018 से इन्होंने थोड़ा थोड़ा एजुकेशन वाले वीडियोज़ डालने चालू किए म्यूज़िक थ्योरी से रिलेटेड, एंड आई मस्ट से बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन में समझाते हैं, ये फेसलेस वीडियो बनाते हैं, मतलब आपको उनका चेहरा नहीं दिखाई देगा लेकिन ग्राफिक्स चलती रहेंगे, और जो म्यूजिक के बेसिक्स हैं मेजर स्केल माइनर स्केल उनके बारे में बहुत ही क्लियर वाले वीडियोज़ इन्होंने बनाए हैं। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मुझे लगता है इनके वीडियोज़ का ये है कि इन्होंने कुछ ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट्स लिए हैं, ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट्स पे वीडियो बनाए हैं जिस पे कोई नहीं बनाता, जैसे स्टेज पे कैसे परफॉर्म करें, सही तरीका क्या है स्टेज पे परफॉर्म करने का, क्या ध्यान में रखना चाहिए, और उसके साथ साथ प्रैक्टिस को बड़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, मतलब प्रैक्टिस करने का जो तरीका है टेक्निक्स उससे रिलेटेड वीडियोज़ हैं इनके। मेरा एक फेवरेट वीडियो है जिसमें ये समझाते हैं कि अगर आप सही कैलकुलेशन के साथ मिनट्स के हिसाब से इतनी इतनी BPM पे प्रैक्टिस करोगे तो अगर आपने 10 से 15 दिन वो फॉलो किया तो आपका जो स्पीड है ना वो 20 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो ऐसे लॉजिकल चीज़ें ये अपने वीडियोस में समझाते हैं कि आपको सही में सोच कर लगेगा कि मैं ऐसा फॉलो क्यों नहीं कर रहा था, तो ज़रूर से फॉलो कीजिए ब्रैड हैरिसन म्यूजिक। चलिए बात करते हैं नंबर 4 जो कि एक डेडिकेटेड गिटार चैनल है। फाइनली अब ऐसा चैनल मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें गिटार के ऊपर ही सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो इस चैनल का नाम है क्यू जैम ट्रैक्स और ये रन करते हैं रॉब वैन हेल, ये एक नेदरलैंड बेस्ड म्यूजिशियन है, और इनकी एक खास बात यह है कि इन्होंने मास्टर्स तो किया है म्यूज़िक से लेकिन ये एक बहुत अच्छे प्रोग्रामर और 3D एनिमेटर भी हैं। काश इतना टैलेंट मुझ में भी होता, बट खैर मैं एक टैलेंट संभाल लूँ एक चीज़ कर लूँ वही बहुत है। बैक टू द पॉइंट, तो ये जो सर हैं इनका अगर आप YouTube कंटेंट देखोगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि म्यूज़िक के साथ साथ जो विजुअल ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन की जो स्किल है ना उस पर कितना स्ट्रांग कमांड है इनका। ये अपने वीडियोस में एक इलेक्ट्रिक गिटार लेके बैठते हैं और इलेक्ट्रिक गिटार पे ही सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हुए दिखाई देते हैं, तो आप इस चीज़ से इनको जज मत कीजिए कि ये तो इलेक्ट्रिक गिटार पे, आप अकोस्टिक गिटार पे भी चीज़ें प्ले कर सकते हैं। मेन पॉइंट है इनके कॉन्सेप्ट, ये जिस हिसाब से आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे, स्केल्स बताएंगे, स्केल्स के जैसे मेरा जो फेवरेट वीडियो जो मैंने इनका देखा था वो था मोड्स का, तो बहुत ही अच्छे से पैरेलल ये सारे मोड्स को एक साथ गिटार पे किस तरीके से प्रैक्टिस करनी चाहिए और उसके साथ साथ दो सब मोड्स में फ़र्क क्या होता है, किस तरीके से यूज़ किया जाता है, तो इनके काफ़ी लंबे लंबे वीडियोस भी आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग गिटार टेक्निक्स को लेके भी। तो अगर आप में वो पेशेंस है कि आप पेलना जानते हैं ना, हम बोलते हैं पेलना, पेला मतलब क्या होता है, दो मतलब होते हैं पेलने के बेटा, पहले तू डिसाइड कर ले कौन सा पेलना बोल रहा है, कि उंगलियाँ बस चलाए जा रहे हैं, लीड्स ओरिएंटेड ज़्यादा हैं। अगर आपको कॉर्ड्स वॉर्ड्स से थोड़ा सा हटके सीखना है तो नो डाउट आपको फॉलो करना चाहिए क्यू जैम ट्रैक्स। अब बात करते हैं पांचवे चैनल के बारे में जो आपको ज़रूर से फॉलो करना चाहिए, और इस चैनल ने मुझे सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है और मैं इस चैनल को 8 साल से भी ज़्यादा हो गए मुझे फॉलो करते हुए, और ये कहना भी हो सकता है गलत ना हो, सकता है गलत हो, मतलब मैं एक आइडिया दे रहा हूँ, ये चैनल YouTube का सबसे बड़ा गिटार YouTube चैनल हो सकता है, सबसे बड़ा और सबसे पुराना, क्योंकि इनके 6 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और 12 या 13 14 साल पुराना चैनल है, तो आई डोंट थिंक कि कोई और चैनल ऐसा है जो इतने टाइम से एक्टिव है और इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं। बट एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी जरूरी है इस चैनल पर जाने से पहले, और आप मुझे गाली दो कि ये पोर्टुगीज़ में है, पुर्तगाल का है तो इंग्लिश में नहीं है, तो जो भी ये बोलेंगे ना आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला। इससे पहले वाले सारे चैनल्स इंग्लिश थे तो एटलीस्ट कुछ तो आप समझ सकते हैं, बट ये चैनल जो है पोर्टुगीज़ में है, बट फिर भी इनका जो ऑन स्क्रीन समझाने का तरीका है ना, मतलब ये देख लो कि जो कॉर्ड्स को और टैब्स को किस तरीके से ये एक्सप्लेन करते हैं ऑन स्क्रीन, वो कॉन्सेप्ट इतने कूल है कि मैंने भी जब अपना चैनल चालू किया था तो बहुत सारी चीज़ें मैंने इंस्पायर होकर इनके वीडियोस से अपने वीडियोस में लाने की कोशिश की थी कि जिस तरीके से ये दिखाएंगे मैं भी कोशिश करूँगा कि हिंदी गानों को मैं उस तरीके से दिखा पाऊँ। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि अगर आप पुराने ओल्ड क्लासिक्स इंग्लिश सॉन्ग्स के शौकीन हैं, इलेक्ट्रिक गिटार पे रिलेटेड अगर आपको क्लासिक सीखने हैं, ACDC या फिर मेटालिका, लिंकिन पार्क, इनके गाने अगर आपको सीखने हैं तो बहुत सारे गाने इन्होंने कवर किए हैं, क्योंकि ये प्राइमरली एक सॉन्ग ट्यूटोरियल चैनल ज़्यादा है, इस पर बेसिक्स के या फिर स्केल्स के चैनल मुझे उतने नहीं लगता कि वीडियोज़ हैं, अगर होंगे भी तो वो पोर्टुगीज़ में होंगे तो समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए अगर आपको सॉन्ग सीखने हैं ना, इंग्लिश सॉन्ग्स अगर आपको सीखने हैं पुराने या फिर जो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो बहुत एक्यूरेट लेसन्स ये लोग बनाते हैं, और सिफ्रा क्लब को आपको डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए। अब वीडियो के आखिर में मैं एक चैनल को और मेंशन देना चाहूँगा और वो एक हिंदी गिटार चैनल है
देखिए बाकी के जो चैनल्स हैं वो इंटरनेशनल हैं और मुझे सही में लगता है कि उनका प्रोडक्शन क्वालिटी और जो डिलीवरी है वो बहुत प्रोफेशनल है, इसलिए हम ये आशा करते हैं कि ऐसा कोई हिंदी गिटार चैनल भी बनेगा, चाहे वो हमारा हो या किसी और का, कि जो इस लेवल पे कंटेंट डिलीवर कर पाए। लेकिन एक चैनल है जिसने मेरे लर्निंग ईयर्स में जब मैं गिटार सीख रहा था तो बहुत हेल्प की थी, वो है पवन जालान जी का चैनल। ये चैनल अब जाना जाता है खास बात रिदम गिटार लेसन्स के नाम से, और ये आज भी लेसन्स बना रहे हैं, और मैं जब गिटार सीखता था ना 2009-10 में तब भी इनके लेसन्स यूट्यूब पे मिला करते थे। ये बहुत एक्यूरेट कॉर्ड्स आपको बताएंगे और रिदम भी बहुत डिफरेंट बताते हैं। एक डिफरेंस आपको ये लग सकता है कि जैसे हम लोग थोड़ा सा और ईजी करके चीज़ें आपको बताते हैं, बट ही स्टिक्स टू द बेसिक्स कि जो गाने में साउंड कर रहा है वो वही चीज़ बजाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप इनका चैनल भी फॉलो करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और मैं आशा करता हूँ कि कभी इन सर से मुलाकात हो पाए तो डेफिनेटली वी विल लेट यू नो। तो जैसा भी है, ये चैनल्स आपको और आगे बढ़ाएंगे, आपके म्यूज़िक नॉलेज को और बेटर करेंगे, और प्लीज़ हमें बताइए कि इस तरीके की वीडियो आपको पसंद हैं तो हम फ्यूचर में और ऐसे वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो, एंड कीप अप द प्रैक्टिस, कीप द पेशेंस। वी विल मीट सून। बाय बाय।